हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का वीडियो हर उस बंदे बंदी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जिसको चाहिए पिंक लिप्स। गैस गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपने लिप्स को बहुत ही कम टाइम में कैसे पिंक बना सकते हैं, कैसे उनकी ड्राइनेस खत्म कर सकते हैं, कैसे उनकी डार्कनेस को रिमूव कर सकते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप चाहते हैं अपने लिप्स को बहुत ही सॉफ्ट, शाइनी, फ्लफी बनाना, तो आज का वीडियो आप जरूर देखिए। हर किसी की चाहत होती है कि उसके लिप्स बहुत ही पिंक हो, सॉफ्ट हो और डार्क तो बिल्कुल भी नहीं हो। वैसे हम लड़कियां लिपस्टिक लगा के अपने डार्क लिप्स को छुपा लेती हैं, लेकिन लड़के ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं लगा सकते हैं लिपस्टिक। तो स्पेशली उनको अपने लिप्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि उनके लिप्स ड्राई ना हो, डार्क ना हो, क्योंकि डार्क लिप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत ही गंदे लगते हैं डार्क लिप्स। गाइस, डार्क लिप्स के बहुत से रीज़न होते हैं जो कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर रीज़न नहीं बताने वाली हूँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ सल्यूशन। यस, आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एक ऐसी रेमेडी जिसकी हेल्प से आप बहुत ही ईजिली अपने होठों को गुलाबी बना सकते हैं, अपने होठों की डलनेस खत्म कर सकते हैं, डार्कनेस खत्म कर सकते हैं और अपने चैप लिप्स को रोजी पिंक लिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं उस इजी सी रेमेडी के बारे में। तो गाइज, अगर आप भी अपने लिप्स को पिंक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए लेना है एक टूथब्रश। टूथब्रश से आपको ब्रश नहीं करना है, आपको करना है अपने लिप्स को एक्सफोलिएट, अपने लिप्स को आपको करना है स्क्रब इस टूथब्रश की हेल्प से। गाइस, आपको ध्यान रखना है कि आपके जो ब्रश है उसके जो ब्रशेस हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए। आपको एक टूथब्रश ले लेना है एंड आपको लेना है हनी। गाइस, अगर आपके पास हनी अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, आप लिप बाम ले सकते हैं, आप ग्लिसरीन ले सकते हैं, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जो भी ऑयल आपके पास हो, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल, जो भी आपके पास ऑयल अवेलेबल हो आप इजीली ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हनी है तो आप हनी ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हनी को ब्रश में से निकालना बहुत ही ईजी होता है और हनी का आपके मुंह में गंदा सा टेस्ट भी नहीं आता है। तो आपको हनी लेना है। यहाँ पे मैं हनी वाला यूज़ कर रही हूँ जिससे मैंने कॉफ़ी एंड टर्मरिक मिला के रखा हुआ था फेस पैक के लिए, ये मैं वाला हनी यूज़ कर रही हूँ। गाइस, आपके लिप्स डार्क जब भी होते हैं, जब आपके लिप्स पे एक डेड स्किन की लेयर जमा हो जाती है, परत पे परत चढ़ती चली जाती है और वो आपके लिप्स को बहुत ड्राई बनाने लगती है और वो डार्क होने लगती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको डेली आपके लिप्स पे जो एक गंदी सी मैल की परत इकट्ठा हो गई है उसे रिमूव करना है। गाइज, आप इस प्रोसेस को डेली कर सकते हैं, दिन में एक बार दो बार भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दो बार कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक मिनट के लिए ही करना है, और अगर आप वीक में तीन से चार बार करते हैं तो आप से दो से तीन मिनट के लिए कर सकते हैं। अगर आप इस मेथड को फॉलो कर देते हैं तो कभी भी आपके लिप्स ड्राई नहीं होंगे, डार्क नहीं होंगे। एंड गाइज, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके लिप्स ड्राई हों तो आपको पीना है ढेर सारा पानी। मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप अपनी हर प्रॉब्लम के लिए पानी पी सकते हैं। अगर आप प्रॉपर पानी पीते हैं तो आपके लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं। ड्राई लिप्स का एक ये भी बड़ा रीज़न होता है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है। अगर आप पानी पीते रहते हैं तो आपके लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने अपने लिप्स को अच्छे से ब्रश कर लिया है और सारी डेड स्किन की लेयर रिमूव हो गई है। गाइस, आप जब भी टूथब्रश करते हैं तो आप इस प्रोसेस को कर लिया कीजिए, इससे बहुत ही टाइम सेविंग है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। एंड आप इसे वॉश कर लीजिए या फिर आप चाहें तो आप इसे एक टॉवल की हेल्प से या टिश्यू की हेल्प से वाइप भी कर सकते हैं। एंड वाइप करने के बाद आपको आपके लिप्स पे लगाना है ऑयल। गाइस, अगर आप आलमंड ऑयल लगाते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होता है। आलमंड ऑयल आपकी सारी प्रॉब्लम का एकमात्र उपाय होता है। अगर आप आलमंड ऑयल को यूज़ कर लेते हैं अपने डार्क लिप्स के लिए तो आपके लिप्स बहुत ही कम टाइम में रोजी पिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। और गाइस, मैं आपको यहाँ पे चैलेंज दे रही हूँ, अगर आप 7 दिन ये प्रोसेस डेली कर लेते हैं तो आपके लिप्स के शेड में फर्क दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपके लिप्स आज कैसे थे और 7 दिन बाद आपके लिप्स कैसे हो गए हैं। आपके लिप्स बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, आप टच करके फील कर सकते हैं कि आपके लिप्स बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। एंड गाइस, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप सभी इसे बहुत ही इजीली फॉलो कर सकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी आपके लिप्स के ऊपर एक गंदी सी परत जमा हो जाती है जिससे आप इस तरीके से खुरच के या फिर आप इस तरीके से क्रच के निकाल देते हैं, तो आज से आपको ऐसा नहीं करना है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया एक ऐसा मेथड जिसे आप बहुत ही इजीली ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं और डेफिनेटली वर्क करता है।
यस गाइस, आप आज से ही इस मेथड को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए और अपने लिप्स में फर्क देखना भी स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। एंड गाइस, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि लॉकडाउन में घर बैठे बैठे सभी अपने लिप्स को बहुत ही इजीली पिंक बना सकें। गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो फिर जब आप लॉकडाउन खुलने के बाद घर से बाहर जाएंगे तो आपके सारे फैमिली फ्रेंड्स आपसे पूछेंगे कि आपने लिप्स पे क्या लगाया है, आपके लिप्स नेचुरली इतने पिंक हो गए हैं। प्लीज शेयर दिस वीडियो। एंड गाइस, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।